सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 1 विविधता की समझ का आगे का प्रकरण भारत में विविधता इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि विविधता क्या है और इसे हमने एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश की थी कि दो लड़के जिनका दोनों का नाम ही समीर था, दोनों की भाषाएं अलग थी, एक हिंदी बोलता था एक अंग्रेजी, दोनों के धर्म अलग थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, और दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग अलग थी, दोनों के खान पान अलग थे, पहनावा अलग था और ऐसे ही धर्म और भाषा ये सभी इन दोनों के अलग अलग थे, इनमें भिन्नता थी और यही भिन्नता विविधता के पहलू हैं। लेकिन इतना अंतर होने के साथ साथ इन दोनों समीर में कुछ अन्य मामलों में भी अंतर था, जैसे कि एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी और एक अखबार बेचता था, एक को स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला, एक गरीब था जिसके पास भोजन, घर और कपड़े मुश्किल से पूरे हो पाते थे। तो ये विविधता का रूप नहीं है, ये है गैर बराबरी यानी असमानता। तो जैसे गैर बराबरी का मतलब होता है कि जैसे कुछ लोगों के पास ना तो अवसर होते, ना ही उनके पास ऐसे संसाधन होते जो दूसरे लोगों के पास होते हैं। तो जो ये अंतर है अमीरी गरीबी का, इसे ही गैर बराबरी या असमानता कहा है, ये विविधता नहीं है। और ऐसा ही असमानता का एक और पहलू है जातिगत व्यवस्था, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि भारत में विविधता क्या है, इसका रूप कैसा है। तो देखो, भारत में विविधता, भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह के सारे कार्य करते हैं। तो नीचे देखो एक सारणी दी है कि भारत के लोग विविध तरीकों से नीचे लिखे हुए काम करते हैं। यहाँ उनमें से एक तरीका बताया गया है और दो तरीके हमें देखने हैं, लिखने हैं। तो देखो, पहला काम है प्रार्थना करना या इबादत करना। तो देखो, भारत में लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की इबादत कैसे करते हैं। तो कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं, भजन करते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ वो आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हैं, और ऐसे ही कुछ लोग हैं वो मस्जिद जाते हैं और वो वहाँ एक लाइन में बैठकर सिर झुकाकर और अपने अल्लाह की इबादत करते हैं। तो दूसरा काम है शादी करना। अब देखो, एक काम है शादी करना, लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं। कैसे कि कुछ लोग फेरे लेते हैं, है ना, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाकर फिर अग्नि के आगे फेरे लेते हैं। कुछ लोग अदालत के रजिस्टर में दस्तखत करके कानूनी विवाह करते हैं और कुछ निकाह करते हैं, वो भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के आगे मौलवी के पूछने पर, और लड़का लड़की एक दूसरे को सहमति देते हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, जैसे पंजाब में सलवार सूट पहना जाता है, भारत के कई राज्यों में साड़ी पहनी जाती है, और मणिपुर में जो औरतें पहनावा पहनती हैं उसे फनेक कहते हैं। ऐसे ही अभिवादन करना, किसी का मान सम्मान करना, उसका भी अलग अलग तरीका होता है, जैसे पंजाब में सत श्री अकाल बोलते हैं, झारखंड के आदिवासियों का एक दूसरे को जोहार कहते हैं, और दिल्ली और उत्तरी भारत में कई जगह नमस्ते कहा जाता है। ऐसे ही चावल पकाने के भी अलग अलग तरीके हैं, कुछ लोग मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाते हैं, चावल से ही बिरयानी बनती है, कुछ क्या करते हैं पानी में चावल डालकर उन्हें उबालते हैं, और कुछ लोग
पके हुए चावल बनाते हैं, फिर उसके साथ छोंक लगी हुई दाल को खाते हैं, तो इस तरह से वो दाल चावल खाते हैं। तो देखो काम एक ही है, लेकिन उस काम के करने का तरीका अलग अलग है। इसके बाद देखो कि हम लोग एक ही चीज़ करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। अब हैं हम विविधता को कैसे समझें, कि करीब 200-225 साल पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्राएं करते थे। वे पानी के जहाज़ में घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। आपको याद होगा हमने कक्षा 6 में ही इतिहास विषय के पाठ 9 में पढ़ा था, और इससे पहले रेशम मार्ग के बारे में भी पढ़ा था कि कैसे चीन से जब व्यापारी आते थे तब वो ऊंट, घोड़ों पर और या फिर पैदल चलकर आते थे, है ना। तो अक्सर ये यात्राएं खेती या बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगहें जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण भी घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। तो इस तरह से उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई संस्कृति, नई जगह की जो संस्कृति थी, उनमें आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती। तो देखो इस तरह से भारत के अंदर बहुत सारी विविधता आई। इसके बाद देखो कि अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। तो देखो भौगोलिक मतलब भूमि से संबंधित है कि कहाँ भूमि पहाड़ी है, कहीं रेतीली है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं पथरीली है, तो इस तरह से उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। अब उदाहरण के लिए देखो कि समुद्र के पास रहने वाले और पहाड़ी इलाकों में रहने वालों में बड़ा ही फर्क होता है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े, खानपान, इनकी आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। तो आइए भारत के दो भागों, एक लद्दाख और एक केरल के जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता उसके ऊपर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो देखो कि एक नीचे है कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ पर है, और इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, ये इन सबको कैसे प्रभावित करती है, और उनकी हमें एक सूची बनानी है। तो देखो सबसे पहले हम भारत का नक्शा देखते हैं कि लद्दाख कहाँ है और केरल कहाँ है। तो ये देखो भारत का मानचित्र है जिसमें आपको ये ऊपर यहाँ लद्दाख दिखाई दे रहा है ना। ये अभी एक नया राज्य बनाया गया है, इससे पहले भारत में 28 राज्य थे और जम्मू कश्मीर से अलग करके इसे एक नया राज्य बनाया, अब भारत में 29 राज्य हैं। तो देखो उत्तर दिशा में लद्दाख है और बिल्कुल नीचे दक्षिण पश्चिम की तरफ है केरल, दिखाई दे रहा है आपको।
अब इन दोनों राज्यों के हम बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लद्दाख का देखते हैं थोड़ा सा मानचित्र। ये देखो कि ये जम्मू कश्मीर था पहले, यहाँ पर पूरा इसको अलग किया, ये एक यहाँ पर राज्य बनाया, और ये नया लद्दाख, इसके अंदर दो ज़िले हैं, लेह और कारगिल, और जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले रखे गए हैं। अब देखिए कि लद्दाख और केरल में क्या अंतर है। तो इसे समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे लद्दाख के बारे में, कि जो लद्दाख है वो जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। तो देखो, अब यहाँ लिखा है कि पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका, तो रेगिस्तानी इलाके से मतलब यहाँ रेत नहीं है, यहाँ क्या है, पहाड़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो देखो, रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, एक ठंडा मरुस्थल और एक गर्म मरुस्थल। जो रेतीला मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल होगा, और जो बर्फ़ से ढका हुआ है, यानी जहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है, वो ठंडा मरुस्थल है। तो इसीलिए से ये कहा है कि जो लद्दाख है वो पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर ही निर्भर रहते हैं। यानी लद्दाख में कौन सा पानी मिलता है, जो ये बर्फ़ गर्मी के मौसम में थोड़ी बहुत पिघलती है, वही पानी इन्हें पीने के लिए मिल पाता है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है, और यह ऊन कीमती होती है, इसीलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन का इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, और मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने हुए पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, जो एक खास तरह का छेना होता है, और मांस, ये खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तानी होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, और ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उनके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं, और उस पर नाटक खेलते हैं। तो देखो, आपको यहाँ दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है लद्दाख, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका, और एक नीचे की तरफ है जिसमें एक महिला है जो पश्मीना शाल बुन रही है। तो देखो कि इस तरह से हमने देखा पहाड़ी इलाके के बारे में, कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका क्या खाना पीना है, और क्या उनका व्यवसाय है। लद्दाख के बाद हम देखेंगे केरल के बारे में, कि जो केरल है वो भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से, और इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, और इन्हीं मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक भी बना था। ये चीज़ें भी हमने इतिहास विषय में पाठ 9 में पढ़ा था, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री में। याद होगा आपको कैसे रेशम मार्ग से भारत के पश्चिमी तट पर आते थे, तो ये चीज़ें हमने सारी वहाँ पढ़ी थी। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस
लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। तो देखो, आपको ऊपर एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये है मछली पकड़ने का एक चीनी जाल। जब वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना कि समुद्र के द्वारा भारत तक कैसे पहुँचा जा सकता है। तो इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, क्योंकि यहाँ पर यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म, सभी धर्मों के लोग आते थे। तो इसीलिए यहाँ पर इन सभी धर्मों के लोग भी शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं चीनावला। क्या कहते हैं? चीनावला। और ये हूबहू चीनी जाल से मिलता जुलता है। और तलने के लिए लोग जो लोग जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं चीना पट्टी। तो देखो, इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु ये चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो देखो, इस तरह से हमने देखा दोनों राज्यों के बारे में कि लद्दाख और केरल, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार के सांस्कृतिक ही प्रभाव है। यानी दोनों का जो इतिहास है वो एक जैसा सा लगता है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति, यानी कि वहाँ मसालों की खेती ज़्यादा थी, तो इसी कारण वहाँ व्यापारी आए। और वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति, जहाँ पर पश्मीना ऊन ज़्यादा मिलती थी, तो वहाँ भी उनके व्यापारी ज़्यादा आए। यानी चीन से आने वाले भी व्यापारी थे और दूसरे यूरोप और महाद्वीप से आने वाले भी व्यापारी थे। तो सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। यानी आज भी लोग जब यात्राएं करते हैं तो वो अपने व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हर एक कदम के साथ हमारी सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा भी बन जाता है जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने ही पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। और इसी तरह से भारत में बहुत सारी विविधताएं होते हुए भी हम एक हैं। तो विविधता में एकता कैसे है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।